आज अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह की का एक्शन आज एक्सपेक्टेड है। और हमारे साथ कीड़िया कमोडिटी से अजय कीड़िया जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। हम एक करेक्शन देखा हमने, लेकिन अब उसके बाद निचले स्तरों से एक रिकवरी भी देख रहे हैं। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन स्तरों पर खरीदारी करने की राय देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो सोने और चांदी को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिले हैं, बट पिछले दो दिन से कोई मेजर डेटा पॉइंट नहीं था। आज इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फेड की मीट में ये भी कहा गया था कि आगे का रेट हाइक पॉज होगा या बढ़ेगा, ये डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। तो आज का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट रहना है, जिसके बाद ही हमें क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट में क्या मूव है। जिस दिन से डॉलर इंडेक्स अभी भी 101 के ऊपर वेल सेटल्ड है, अभी भी 101.50 के करीब ट्रेड कर रहा है, वेटिंग सैलॉन रैली एक रणनीति बना के चलना चाहिए, जहाँ पे सोने को 61,500 के अमाउंट पे बेची। कल रुपए में भी कमजोरी आई थी, उसका भी एक सपोर्ट गोल्ड को मिला था, तो 61,500 पे बेचिए, 61,800 का स्टॉप हो सकती है, 61,000 का टारगेट रहेगा। वही चांदी की अगर बात करें तो 77,600 पे बेच के चलिए, 78,200 का स्टॉप हो जाएगा, 76,500 तक वापस पुल बैक आता हुआ देख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये जो तेजी आई है ऊपरी स्तरों में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, इसलिए दोनों ही मेटल्स पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बिकवाली करने की राय। कच्चे तेल में क्या व्यू बन रहा है आपका अजय? ठीक, कच्चे तेल में मई मंथ वैसे भी पॉजिटिव रहना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमने चाइना से जो डेटा कॉन्ट्रेक्शन देखा था उसकी वजह से प्राइस में गिरावट देखी थी, स्लो डाउन, रिसेशन फियर, ये सब बने हुए थे। बट अब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन नंबर्स अगेन कच्चे तेल को भी इम्पैक्ट करेगा, साथ में ये हफ्ते में कल के सेशन में हम देखेंगे ओपेक की मंथली स्टेटमेंट रिपोर्ट भी आनी, जहां पे माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो कट का जो बताया गया था वो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलेगा, और टेक्निकली भी ब्रेंट $70 से एक अच्छा खासा रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग कल की जो रैली थी क्रूड में वो आज भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है, पुल बैक पे बाय करके चलिए 6,000 के करीब, 5,900 का स्टॉप लॉस, 6,150 का इमीडिएट टारगेट रहेगा ओपेक की मीट से पहले। ठीक है, तो ऊपर की बैठक होने वाली है, उसके पहले खरीदारी करके चलिए 6,150 के लक्ष्य के लिए। बेस मेटल्स में क्या करें अजय? बेस मेटल में भी हमने देखा चाइना से कंटिन्यू एक पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है, जिसकी वजह से बेस मेटल में जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा थमता हुआ नजर आ रहा है। साथ में हमने देखा कि कुछ इन्वेंट्रीज को लेकर कंसर्न्स बन रहे हैं वापस, जिसकी वजह से प्राइजेस में एक जंप है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो बड़ी गिरावट थी उसके बाद प्राइजेस थोड़े सपोर्ट लेते हुए दिखे हैं। तो सबसे पहले कॉपर की बात करेंगे तो 750 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है, यहाँ पे आप बाय करते चलिए, इमीडिएट टारगेट तो 756 है, बट अगर चाइना से सपोर्ट कंटिन्यू रहा स्टिमुलस का तो मे बी पॉसिबल है कि मंथ एंड तक हम 780-790 का लेवल फिर से देख पाए। वहीं एल्यूमिनियम में भी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट एक मल्टीपल सपोर्ट बना चुका है, तो आई थिंक 208 पे लेके चलिए, 206 का इमीडिएट स्टॉप लॉस, 212 का इमीडिएट टारगेट देखने मिल सकता है। कॉपर यहाँ पर लगातार एनालिस्ट की नजर बनी हुई है, तो इस पर आप खरीदारी करके चलिए 756, और एल्युमिनियम में भी 212 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अजय, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। ठीक है।